हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज दरअसल क्या हो रहा था, मुझे बहुत आलस आ रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या बनाएं खाने में। और उसके बाद फिर मुझे पालक दिखी, तो पालक को मैंने अच्छे से साफ़ किया। एक गड्ढी पालक ली थी, लेकिन उसमें से सिर्फ इतनी पालक ही सही निकली और वो थोड़ी थोड़ी सी जो पत्ते गल से जाते हैं ना, वो हो गया था। तो यहाँ पे मैं सोची थी कि चलो पालक का कुछ बनाते। पहले मैंने सोचा पालक के पराठे बनाते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं पालक पनीर बनाते हैं, क्योंकि पनीर भी थोड़ा सा रखा था, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पालक को उबाला है छाट के 5 से 10 मिनट, और फिर ये ठंडा पानी था उसमें डाल के रख दिया। ठंडा पानी में डाल के रखने का रीज़न ये था कि हमारा जो कलर है पालक का वो ग्रीन ही रहेगा। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में हम ये सब्जी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और 7 से 8 काजू गला के रखे थे वो, और अब एक टमाटर इसमें काट के डालूंगी। मतलब आज एक होता है ना, कभी कभी मन ही नहीं करता खाना बनाने का, तो सेम आज वही सिचुएशन मेरे साथ थी। तो मैंने सोचा कि जब मन ना हो और अच्छा खाना भी हो तो क्या बना जाए। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने वो मसाला पीस के रख लिया, और अब मैंने यहाँ पर डाला सरसों का तेल, थोड़े से खड़े मसाले जिसमें है राई, मेथी, जीरा, 2 लौंग है, 2 काली मिर्च है और इलायची, और 2-3 सूखी लाल मिर्च है। और अब जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब आप लोगों का मन नहीं करता तो आप लोग क्या बनाते हो। मेरा तो आज बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली के साथ सब ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि जब मन ना हो तो सिंपल सा क्या बनाया जाए। और यहाँ पे देखिए मसाला नॉर्मल सा था, तो 5 मिनट मसाला भी अच्छे से भुन गया था। और मैंने सिर्फ यहाँ पे लाल मिर्च डाली है अभी मसाले में, और कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने डाल दी है पालक, इवन मैंने हल्दी भी नहीं डाली है। और पालक डालने के 5 मिनट बाद ही हमारी जो सब्ज़ी है उसमें उबाल आ गया था, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनाई थी। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमारी जो अच्छी सी पालक पनीर है ना, वो बन के तैयार हो गई थी। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कभी कभी होता है ना कि जल्दी वाला खाना बहुत अच्छा बना था, तो सेम वही चीज़ थी। हमने इसे पेस्ट बनाया, उसको 5 से 10 मिनट भूना, लाल मिर्ची नमक डाल के हमने पालक डाल दी उसमें। और उसके बाद पालक को 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने के बाद हमने पनीर डाल दिया है। और अब मैंने लास्ट में यहाँ पे हरा धनिया और थोड़ा सा पनीर बचा लिया था, उससे मैं गार्निश कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल होटल वाला लुक आ जाए खाने में भी और देखने में भी। और देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी लाजवाब दिख रही है। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जब जल्दी जल्दी बनाना था तो आप लोग क्या बनाते हैं। और इसी के साथ मेरे चैनल में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही नई वीडियो के साथ। और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं आप लोग के लिए क्या लेकर आऊँ, कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। बाय बाय।